कंटिन्यू होते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है, ठीक है जी। तो हम कल तक थोड़ी हल्की है संदीप। सेटिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा चेंज करने के लिए। अब ठीक है मेरी आवाज अब सही आ रही है? हाँ हाँ जी, अब ठीक है। ठीक है जी। तो कल हमने कुछ सेटिंग्स वगैरह देखी थी, साहिल जी कल आप शायद आए नहीं थे। हाँ, मैं कल मिस कर दिया हूँ। वैसे कुछ ज्यादा मिस किया नहीं है आपने। हमने कुछ एक्सेल की कस्टमाइजेशन के बारे में बताया था, जैसे हमारे एक्सेल में हम चलाते हैं कई बार कुछ एरर आ जाती है तो कोई हम लोग टैकल नहीं कर पाते हैं। सपोज हमें ये इस तरह से लिखना है, पर एंटर मारते ही ये रजिस्टर्ड के साइन में बदल जाता है, ठीक है जी। अब ये कहाँ से होता है? इसका सारा जवाब ये ऑफिस बटन है, यहाँ के एक्सेल ऑप्शन में। इसमें जितने भी टैब्स हैं इनके अंदर कुछ सेटिंग्स छुपी हुई है, मैं आज इसको रिवील करता हूँ थोड़ा सा। पहले तो मैं आपको जो मैंने सैंपल दिखाया उसका दिखा देता हूँ। हमारे पास शुरू से एक बार थोड़ा सा आपको वो कर देता हूँ। जैसे हमें अपनी विंडो का कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे हमारे पास कलर स्कीम होती है, ब्लू सिल्वर ब्लैक, मैं इसको कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका कलर चूज कर सकते हैं। हमारे पास आप यहाँ पे देखिए कुछ टैब्स हैं, इसमें मेरे पास आपको डेवलपर टैब नया दिखता होगा। ये मोस्टली एक्सेल में डिसेबल होता है, जिसको हम एक्सेल ऑप्शन से पॉपुलर के अंदर ही हमारा शो डेवलपर रिबन होता है, ठीक है। इसको अनचेक करेंगे, अनचेक रहता है बाय डिफॉल्ट, अनचेक कर देंगे तो डेवलपर टूल बार आ जाती है, ठीक है जी। यहाँ से हम अपना डिफॉल्ट फॉन्ट सेट कर सकते हैं, जैसे हमें वर्कशीट में बार बार हमें एरियल ही चाहिए, यहाँ कैलिबरी दिया होता है, तो एरियल फॉन्ट साइज, उसका नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, जो भी व्यू सिलेक्ट करना है, कितनी शीट होनी चाहिए उसके अंदर, 3, 1 से लेकर 255 तक शीट इसके अंदर हम दे सकते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होनी चाहिए न्यू करने पर। जैसे मैंने 5 सिलेक्ट कर रखे हैं, तो जैसे मैं न्यू करूँगा तो मेरा हम उन पर जाएंगे एरियल 12 का फॉन्ट और 5 शीट। तो ये हमारे पास इसमें सेटिंग्स के अंदर होता है। आगे चलते हैं, फॉर्मूला के अंदर कोई खास नहीं है, तो फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो मैंने आपको सैंपल दिखाया वो था ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर। रिप्लेस एज यू टाइप, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे हम मेरे डिपार्टमेंट का नाम है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, शॉर्टकट में सा बोलते हैं, फुल नेम उसका साइज एडमिनिस्ट्रेशन। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये टाइप करूँ तो ये अपने आप इसमें रिप्लेस हो जाए, तो इसको मैं एक्सेल ऑप्शन के जरिए टूलिंग में जाऊंगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, रिप्लेस एज यू टाइप है। अगर हम इसे अनचेक कर देंगे तो ये रिप्लेसिंग बंद हो जाएगी। जैसे आर पे आपको रजिस्टर्ड का साइन दिख रहा होगा इस तरह से, सी पे आपको ये, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको यहाँ से एज यू टाइप का हटा देते हैं, ठीक है जी। अब मैंने कहा SAW जब टाइप करूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल हो जाएगा, ऐड कर दिया मैंने, ओके ओके। जब मैं इसमें यहाँ सा टाइप करूँ या अपने आप ही उसको चेंज कर दूँ, ठीक है जी।
और देखते हैं और क्या है, हम सेव करते हैं सर, लोग सेव करते हैं जैसे F12 बटन दबाते हैं हमें सेव करना है, तो ये डिफॉल्ट लोकेशन दिखा रहा है हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर हम जैसे टेम्परेरी फाइल बनाते हैं डेस्कटॉप पे ही चाहिए, तो हम इस डिफॉल्ट लोकेशन को पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके हमें बार बार करने की जरूरत नहीं। एक्सेल ऑप्शन में आप जाएंगे, सेव के अंदर जाएंगे और डिफॉल्ट फाइल लोकेशन जो है यहाँ डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई है। अब जैसे मुझे इसको डेस्कटॉप करना है, तो डेस्कटॉप के लिए मेरा क्या बनता है, यहाँ से डेस्कटॉप किया इधर, इसके एग्जैक्ट लोकेशन के जरिए ही काम होगा इसका। यूजर के अंदर मेरा यहाँ पड़ा होगा डेस्कटॉप, ये है डेस्कटॉप मेरा, इस वाले डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, तो इसको सी कर दूंगा ऊपर से लोकेशन को, और यहाँ जाके एक्सेल सेटिंग के अंदर फाइल एक्सेल ऑप्शन सेव के अंदर डिफॉल्ट फाइल लोकेशन में यहाँ पे डाल दूंगा, ओके करूंगा। जैसे ही मैं सेव एज के लिए बटन दबाता हूँ तो ये मेरा डेस्कटॉप के ऊपर आ गया, ठीक है जी, हमारी डिफॉल्ट लोकेशन हो जाती है। इसी तरह से हम इसको भी डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, तो जैसे हमारे पास 2007 जब नया आया था तो 2003 के फॉर्मेट्स चल रहे थे, तो हमें इसमें कंपेटेबल बनाने के लिए 2003 के फॉर्मेट्स, 97 2003 के फॉर्मेट्स में सेव करना पड़ता था, तो उसको हमें यहाँ से चेंज करना पड़ता था। हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट उसमें सेव करें, तो यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन में सेव के अंदर ये हमारा सेव फाइल फॉर्मेट, यहाँ से हम उसको चूज कर सकते हैं ये भी फॉर्मेट, ठीक है, ओके करते हैं, फिर वो उसमें से सुनने लगेंगे। जैसे मैं ये सेटिंग्स आपकी कंप्लीट एक्सेल के लिए है, किसी एक फाइल के लिए नहीं, आपके एक्सेल के एप्लीकेशन में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट आ गया, आगे बढ़ते हैं। कोई बड़ी फाइल होती है आपका टाइम लेती है खुलने में, वो हर 10-10 मिनट बाद में सेव होती रहती है, यहाँ पे जो सेटिंग है कुछ मिनट बाद ही ऑटो सेव होती रहती है, ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी, उनकी एक लोकेशन होती है इसी जगह ऑटो रिकवरी फाइल आप जहाँ डालना चाहें, जैसे आप काम करते करते लाइट चली गई, डेस्कटॉप बंद हो गया, तो वो फाइल आपके साइड में यहाँ पे टैब का बन के आ जाता है, ऑटो रिकवर जहाँ तक आपने लास्ट काम किया है वो आपके यहाँ से निकलते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा आप किसी ब्लैंक पे काम करते हैं तो वो आपको यहाँ मिल जाती है। 2010 के अंदर ये ऑप्शन है कि आपने कई बार टेम्परेरी फाइल बनाते हैं हम, ऐसे ही सेव नहीं किया, डाटा बना के प्रिंट निकाल दिया, ठीक है, हमें कभी याद आया कि वो यार फाइल तो हमें सेव कर लेनी चाहिए थी, तो उसके अंदर 2010 के अंदर ये ऑप्शन है कि आप उसको निकाल सकें ऑटो रिकवर के लिए, ठीक है सर। ऑटो रिकवर इसी फाइल के लिए आपको डिसेबल करना, करंट से काम कर रहे हैं ऑटो रिकवर को डिसेबल करना चाहिए, ज़्यादा बड़ी फाइल है बार बार सेव होती है तो नहीं करता है सिस्टम, तो आप डिसेबल कर। हम जब एंटर प्रेस करते हैं तो सर ये डाउन होता है, ये एंटर प्रेस कर रहे हैं डाउन जा रहा है, जो डिफॉल्ट मूवमेंट है वो क्या होनी चाहिए हमारी एडवांस के अंदर, आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन डाउन राइट अप लेफ्ट, इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब, ठीक है जी। नंबर के आगे 2 डेसिमल पॉइंट अपने आप दे दो। ड्रैगिंग का ऑप्शन कई बार हमारा डिसेबल हो जाता है, इस तरह से कई बार मैक्रो चल जाते हैं, ड्रैगिंग का ऑप्शन नहीं होता, इसके लिए हमारा जाते हैं लेबल थोड़ी आपको और क्या यूजफुल होता है हमारे लिए, इसके अंदर रेड लाइन कलर है, कलर चेंज कर सकते हैं, रेड लाइन कलर चेंज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कभी गड़बड़ हो जाए तो देख सकते हैं। बाकी कहीं इसमें आने के कमांड में कस्टमाइज नहीं कर सकते, पॉपुलर कमांड हमारे पास यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट टूल बार,
यहाँ पे आपको कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं, शिवकार चांदी रिडू के हमारे पास साइन। तो आप यहाँ से जो आपकी कमांड है उनको आप किसी के एक्सेस को ऐड कर सकते हैं। जो भी समय लिंक की जरूरत क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे कर देंगे। यहाँ पे आपको ये दिखाई देंगे, इसका जो एक शॉर्टकट होता है वो आप विंडो की ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होती है। विंडो ऑल्ट की प्रेस करने के बाद अगर आप 1 2 3 4 डालते हैं तो ये कमांड काफी एकदम तो सही हो जाता है। जैसे कि इनको जो दे रहा है हिंदी है, टी को हिंदी है और 4 तो मैंने अभी न्यू शीट ऐड करने का। देखते इसी तरह से हम उसमें हमारे पास ये हमारे टैग के जिनको कस्टमाइज किया जाए होम टैग पे। ये 2007 के 2010 के अंदर ऑप्शन है जिसे आप टैग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या दिखाना बताना है वो आपको। हेडिंग्स होते हैं हमारे, इसमें मैं आपको आगे जब दिखाऊंगा कोई मैक्रो वगैरह ऐड करने के लिए हमारा ये यूज होता है हेडिंग्स। हमारा है यहाँ पे कुछ अच्छी एक्सपेंशन मैक्रो वगैरह चलाने के लिए मेरल करने पड़ते हैं, अटेम्प्ट करने पड़ते हैं यहाँ पे। इसकी जिसकी भी आप मैक्रो से जाएंगे तो आपको सब जगह चलेगी। ये हमारे कुछ एक्सेल की सेटिंग्स की जो मैंने इसमें बताई आपको मेरी बात डेट समय इसको चेंज कर लो ये लाइन को। फॉर्मेट हम फॉर्मेट सेंटर के जरिए कॉपी करते हैं, हमें तो ये इसी के तरह इसको पहले कॉपी कर सकते हैं। अब मैं बार बार जा रहा हूँ कॉपी करने के लिए, बार बार मुझे फॉर्मेट सेंटर को क्लिक करना पड़ता है। इसका अल्टरनेट ऑप्शन ये भी है कि आप इसको डबल क्लिक कीजिए, देन आप जहाँ भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर। संदीप जी आपकी आवाज फिर लो हो गई है। हाँ जी, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिस्ट है हमारी, एक हमारे पास होता है, हम कई बार कोई करेक्शन रिव्यू कर रहे होते हैं तो एक्स डालते हैं क्रॉस, ये मतलब गलत है। और हमें यहाँ पे राइट का निशान लगाना हो तो कहाँ से आएगा। यहाँ पे हम क्रॉस के लिए तो सर एक्स डाल सकते हैं, और मुझे यहाँ पे राइट का निशान लगाना। इस तरह से करना है, ये मैं कैसे करूंगा, कुछ आइडिया है सर आपको क्या करेंगे इसके लिए। हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर।
मैम आप बताइए, आपको आइडिया है इसका, इसमें नहीं कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, करना पड़ता है, ऑफिस में जरूरत पड़ती है, बट डोंट नो हाउ टू डू इट। तो इसमें हमें क्या करना है, पी टाइप करेंगे हम, यहाँ से फॉन्ट है हमारा विंगिंग टू, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हम यहाँ पे मैम कैपिटल पी लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल पी लिखेंगे, देन इसको विंगडिंग टू फॉन्ट है हमारा उसको यूज करेंगे, ठीक है जी। जहां भी आपको करना है आप कैपिटल पी पी टाइप करते जाइए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अपना फॉर्मेट प्रिंटर का जुगाड़, ठीक है जी। ओके मान लीजिए मैं नहीं है तो हम मतलब अपने जनरल टेक्निक भी लगा सकते हैं, ऐसा हम नॉर्मल ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे इसको, आड़ा तिरछा करके आपको ये मतलब पता ही होगा, एक इंफॉर्मेशन भी आपको पता है। अलाइनमेंट से इसको मैं -45 के एंगल पे सेट करूंगा, माना थोड़ा तो काम कर ही दे ना, कोई कुछ ना से तो कुछ कर। बात आती है हमें इसको ब्लॉक करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना यहाँ से हमारा चलता है नंबर कंट्रोल वन से, इसका शॉर्टकट है बॉर्डर, यहाँ से ये, यहाँ से ये। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर लेंगे, चेक के लिए अगर हमें यूज करना हो, राइट का निशान लगाना हो, तो समय हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो हमारा जो यहाँ पे कम मोटापन पतलापन इतना करना है ऐसे कर सकते हैं। एक मतलब जैसे आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कुछ ट्रिक्स, जैन 2013 में ये जो टीएच है मैम, ये कई बार हमें ऊपर लाना पड़ता है, टेंथ का जो होता है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, कंट्रोल वन ही हम करेंगे क्योंकि तो ऐसे तो यहाँ चलने से रहे कुछ भी। सिलेक्शन के बाद आप कंट्रोल वन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सुपर स्पीड, ठीक है जी। इसी तरह से H2O, ये हमारे पास जो हमें करना होता है यहाँ सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल वन सब स्क्रिप्ट, सर अगर जैसे आपने राइट का इसमें एरो दिया है सेम एज हमें क्रॉस देना हो तो
किस चीज में? आप क्रॉस के लिए आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है एक्स, कैपिटल एक्स। ओके, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है? नहीं नहीं अब जब आपके पास यही है अवेलेबल है तो और किसी की क्या जरूरत, जब ना हो तो ढूंढे। हालांकि और कहां से ढूंढ सकते हैं इस तरह के कीवर्ड्स या स्पेशल कैरेक्टर अगर हमें चाहिए होते हैं कभी, तो हमारे पास कैरेक्टर मैप नाम की चीज होती है इसके अंदर। ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एक्सेसरीज में, सिस्टम टूल्स के अंदर कैरेक्टर मैप होता है। अब इसमें क्या होता है मैम, यहाँ पे हमारा एरियल फॉन्ट के अंदर क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर होती है, अलग अलग तरह के। एक फॉन्ट के अंदर कुछ हमें चाहिए होता है, जैसे साइन वाले जो हमारे हैं विंडोज के, विंडोज 2 जो मैंने बताया था आपका राइट का, ये रहा साइन। क्रॉस अवेलेबल है, अलग अलग तरह के क्रॉस आपके पास अवेलेबल है। सिलेक्ट आप उसको क्लिक करके कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ अपना पेस्ट कर दीजिए। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉन्ट से आपने कॉपी किया था, मैंने इनसे किया था। ठीक है, तो आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें जो आपके हेल्पफुल हैं। आपके उंगली के निशान हो गए, मतलब आपको अभी कोई निशान ढूंढना है तो वहां से ढूंढ सकते हैं। मोबाइल का साइन होता है, कॉल का साइन होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। आप इनके फॉन्ट्स के अंदर इनको भी ढूंढ सकते हैं, बम का साइन, माउस का साइन, जो भी है। सिलेक्ट कॉपी, सिलेक्ट फॉन्ट, अप्लाई कर दीजिए। देखिए आप आपको 10 की पावर 2 देना है, मैंने अभी किया 10 की पावर आपको 2 देनी है। अब जब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 प्रेस करते हैं, हमारे पास फॉर्मेट सेल के ऑप्शन आ जाते हैं, हम सुपर स्क्रिप्ट इसको कर देते हैं। यहाँ तो आपको दिखाएगा पर एंटर प्रेस करते ही वापस ये किसी होता है कि ये इसका एक नंबर फॉर्मेट होता है। जैसे नंबर फॉर्मेट में हमारे इंटीजर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। टेक्स्ट में कन्वर्जन के हमारे पास क्या है, या तो हम नंबर फॉर्मेट से यहाँ से टेक्स्ट में कर देंगे, कभी भी ये चलता है कभी नहीं चलता, चल देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। सुपर स्क्रिप्ट कर दी, चल गया भी। और बाय चांस आप उसमें बार बार नहीं जाना चाहते तो हमारा इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं मैम, उसी बटन पे हमारा सिंगल कोट का निशान होता है, आप उसमें कीजिए और जो भी लिखेंगे वो एज अ टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कई बार चेक नंबर डालते हैं, चेक नंबर होता है 60 का, और यहाँ पे कई बार आगे 00 होता है, 00 देना है, इस तरह से हमें लिखना है 00 3 3 4 5, ये हमारा चेक नंबर है। पर यहाँ 00 तो आएगा नहीं, जैसे मैं क्लिक करूंगा नंबर फॉर्मेट, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आप
क्या करना है, सिंगल थ्रेड पहले लगा देंगे, देन आप टाइप कीजिए तो वो चेंज कन्वर्ट नहीं होगी। सबमिशन में कई बार डिग्री सेल्सियस कितने पर है, 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, हमें ऊपर सब्सक्रिप्ट में देखना है। मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग के तरीके आपको दिखाया, तो ये सुपर है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक दो हो तो कोई बात नहीं, पर हमारे पास ज्यादा डेटा हो तो ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है बार बार सुपरस्क्राइब करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप एक ही चीज लेकर मार दीजिए उसको ड्रैग, तो कॉपी मार दीजिए सब में, अब यहाँ से इसको सुपरस्क्राइब कर दीजिए। इसमें क्या होगा, आप इसको ना थोड़ा सा इस तरह से करके हाइड करके थोड़ा सा आप इसको के लिए दिखा सकते हैं। आपके फ्रेंड से मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया था, मुझे काफी भी कर लेंगे ठीक है। क्योंकि मैं आपको और नॉर्मल चीजें हमारी कुछ, जैसे हम कुछ टाइप करते हैं हमें इसी के अंदर चाहिए, हमारे पास ऑप्शन होते हैं कंट्रोल वन के जरिए सारी फॉर्मेटिंग होती है। यहाँ पे आपके नंबर फॉर्मेट्स होते हैं, अलाइनमेंट, इससे आपका सेल अलाइनमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों आपको पता ही होंगे। ग्राफ टेक्स्ट क्या होता है, इसके बाहर आपको नहीं जाने दे रही ठीक है, जितनी उसकी हाइट ये हेड जाए उतनी ही रहेगी। और कई बार क्या होता है हमें कुछ इस तरह से लिखना है, देन ब्रेक करना है इसको, और तो मैंने बनाया है माय मेरा एक इसमें आया, पर मुझे जो ब्रेकिंग लानी है वो लानी है यहाँ से, हिसाब से ग्रेड करना है। इसके लिए पता है आप लोगों को क्या करते हैं, सेल के अंदर ही दूसरी लाइन बनानी है, इसके लिए हम करते हैं Alt प्लस एंटर। अभी मैंने कुछ भी लिखा, Alt एंटर दबाएंगे तो उसमें दूसरी लाइन क्रिएट हो जाएगी।
मैं उसमें टाइप कर सकता हूँ, फिलहाल जितनी भी लाइनें चाहूँ लिख कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास क्या होता है, मर्ज करने है, अब मैं बार बार मर्ज करूंगा इसको। इस तरह से मुझे कुछ नई चीजें भी हैं, एक साथ करना है तो मर्ज मर्ज क्रॉस है। ये ऑप्शन समझ में आया? अब चलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग की तरफ, जो हमारे एक इम्पोर्टेंट एक एम भाग है एक्सेल का। जनरल नंबर फॉर्मेटिंग क्या है, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो ये जनरल के अंदर होता है। जनरल के अंदर सारे फॉर्मेट एक्सेप्टेड होते हैं, आइदर इट इज डेट और टेक्स्ट नंबर जो भी होता है, पर हमारे पास स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ नंबर में क्या है। नंबर में हम सकते हैं दो डेसिमल प्लेसेस तक लेने हैं आपको, थाउजेंड के बाद सेपरेटर कॉमा का यूज करना है इस तरह से। इसमें क्या हमारे पास एक एडिशनल ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, माइनस में नॉर्मल करो तो माइनस में दिखाएगा, ब्रैकेट में दिखाना चाहूँ ब्रैकेट में दिखाएगा, माइनस वैल्यू ब्रैकेट में दिखाएगी विदाउट माइनस और नॉर्मल। कलर मुझको डिपेंड कर सकता है, रेड डिपेंड कर सकता है, ठीक है जी। करेंसी इसकी तो फिलहाल इसके आगे हमें कुछ करेंसी लगानी, मान लीजिए हमें जरूरत पड़ती है आई एन आर लगानी, मैं तो डॉलर या फिर आप कुछ देख रहे हैं मेरे पास और अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो एक रूसी कॉर्डियल नाम का एक फोन है जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं।
अकाउंटिंग का भी वही है, कुछ खास नहीं है, देख नहीं चलते, देखते हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको डेट कॉल रहा हूँ, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जैसे मुझे आपकी डेट डालनी है, मैं आपको भी यूज करता हूँ, पर सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। या फिर मैं कैसे करूंगा, क्या होता है ना, हम जब हम कितने एडिशन डिलीशन भी बेस में कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ मैं 2 दिन बाद क्या रेट करूँगी, आप वहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। वहाँ पे अगर मैं प्लस करने की कोशिश करूँ तो बेस एरर वो चीज में नीचे जाकर कुछ नंबर से ऐसे क्या करना है, नंबर को सिलेक्ट करके डेट में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे 22 तारीख दिखा रहा है, हम इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं डेट के अंदर। अब तो जैसे मैंने इस फॉर्मेट में टाइप किया, इसमें लाने के लिए इस डेट को क्या करना, कंट्रोल वन डेट के अंदर जाके हमारे पास डेट की फॉर्मेट है ये वाला यूज कर, हमें टाइम ड्यूरेशन दिखानी पड़ती है। टाइम ड्यूरेशन कैसे, मान लीजिए 17 घंटे, यहाँ से मैं टाइम में कन्वर्ट कर रही हूँ, 17 तो मेरा बदल जा रहा है। इसलिए हमारे पास टाइम में क्या होता है, हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किस फॉर्मेट में सिलेक्टेड है उसके डिपेंड करता है। ये एम सी एम में सिलेक्टेड है तो यूज कर सकता है, पूरा चीज में करेंगे 24 घंटे तक हमारा ठीक ठाक समय दिखाना है। यहाँ पे मैं डालता हूँ 17, अगर मेरे पास 37 घंटे हुए मैंने उसे घुमा फिरा के 1 बजा रहा है, अगर मुझे टाइम ड्यूरेशन इस तरह से दिखानी है तो उसके मेरे पास 37/30 का फॉर्मेट है। हाँ जी हेलो, ये तो स्क्रीन नहीं चल रही है, क्या नहीं चल रही सर, स्क्रीन नहीं चल रही, स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है फॉर्मेट सेल का, आपको दिखाई दे रही सर। टाइम ड्यूरेशन का सर हमारे पास होता है 37/30 का फॉर्मेट है टाइम के अंदर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये 24 घंटे से क्रॉस करेगा। अभी आपको सही टाइम दिखा रहा हूँ, डेट एंड टाइम को मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ सर, टाइम डिफरेंस दिखाता हूँ। हमारे पास कैलकुलेशन
करता रहता है। आज की डेट है मेरी 20 नवंबर 2013। इसको मैं यहाँ से जनरल फॉर्मेट में कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सर कुछ नंबर्स दिखा रहा है, नंबर क्या होते हैं, ये हमारे नंबर फॉर्मेटिंग ही होती है जिसके अंदर प्रोसेस ये डेट वैल्यू है, इसके यही है हमारे जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो इसी को चेंज करके डेट के रूप में। हमारे पास जैसे करंट डेट के लिए फंक्शन है टुडे, कंट्रोल शिफ्ट 3 करूंगा डेट फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या शॉर्ट है, कंट्रोल शिफ्ट हमारे पास 1 से आगे प्रिंट का टाइम होता है, 1 2 3 से पहले प्रिंट का, ये जनरल फॉर्मेट होगा। कंट्रोल शिफ्ट 1 जब प्रेस करूंगा तो नंबर फॉर्मेट होगा, कंट्रोल शिफ्ट 2 जब प्रेस करूंगा तो टाइम फॉर्मेट होगा, कंट्रोल शिफ्ट 3 जब प्रेस करूंगा तो डेट फॉर्मेट होगा, कंट्रोल शिफ्ट 4 करेंसी फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट 5 परसेंटेज, कंट्रोल शिफ्ट 96 हमारे पास फिक्स फॉर्मेट होते हैं कंट्रोल शिफ्ट के अंदर, तो मोस्टली हमारे पास ये होता है कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट के साथ, ठीक है। जैसे ये मैं फंक्शन के जरिए लाए टुडे का फंक्शन हमारे पास इसके लिए, और करंट डेट ऑफ टाइम के लिए हमारे पास नाउ का फंक्शन, डेट विद टाइम, ठीक है जी, 20 नवंबर 21 55। अब मैं क्या करता हूँ इनको पेस्ट एज वैल्यूज करता हूँ नीचे इनके, अब कुछ डिफरेंस दिख रहा है, जनरल फॉर्मेट में आ रहा है, जो हमारी डेट थी वो आई 41,598, पर टाइम के बाद डॉट के बाद कुछ वैल्यूज आ रही है। अब क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसलिए इसको माइनस कर देता हूँ, मेरे पास पॉइंट की वैल्यूज है इनको मैं टाइम में कन्वर्ट कर देती हूँ, करंट टाइम चेंज रहता है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो पॉइंट से पहले की वैल्यूज होती हैं वो डेट के अंदर चली जाती है, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है डेसिमल के बाद की वो टाइम चल रही है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलानी है, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपको ये तो रही कि आपको मैंने कुछ आज के फॉर्मेट समझा, कस्टम फॉर्मेट की पावर दिखा था, ये इसके आगे फॉर्मेट को इनमें कुछ नहीं, पर जो कुछ है जो एडवांस काम करने वाले वो हमारे पास कस्टम के अंदर होते हैं, ये आपको कुछ आड़ी तेरी से फिगर्स दिखाई, ये हर फॉर्मेट कुछ ना कुछ करता है, क्या करता है ये मैं आपको एक सैंपल देता हूँ कहाँ काम आ सकता है। सपोज हमारे पास एक नंबर की एक लिस्ट है, होगी 0 0 1 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
मान लीजिए उसको चलाते हैं, हमारे पास बहुत सारा डाटा है, तो
से हमारे एक एरर दिखा रहा है, कन्वर्ट टू नंबर अगर हम कर देते नंबर में कन्वर्ट हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके जीरो हट गए हैं, मुझे यहाँ पे दोबारा लगाना, एक्सीडेंटली हट गए कैसे भी होते तो, और क्या ऑप्शन था मेरे पास, वैल्यू करके मैं इसको उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते थे। तो मान लीजिए अब इसके सबके कट गए तो जीरो इसके आगे करते हैं, हम सिलेक्ट करेंगे वैल्यू को, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम जीरो टाइप करें। तो इस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहिए, ये खाली आपको दिखा रहा है, हालांकि एक्चुअल वैल्यू इसकी जो है आपको यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट होता है कि आपको वैल्यू कैसे दिखा रहा है, आपको वैल्यू वाकई में चेंज करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट का, इसके अंदर हमारे कस्टम फॉर्मेट चलते हैं, सेलेक्ट करेंगे प्रत्येक कमांड में फॉर्मेट दे देंगे, तो कस्टम फॉर्मेट देने चाहिए, तो मैं यहाँ से अपना कस्टम फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ। साहिल जी अपने सवाल पूछा था, अशोक जी ने पूछा था, ट्रांसपोज करने के लिए आप इसको जितने पे दिए दो महीने तीन महीने कॉपी करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाकर ट्रांसपोज चेक करेंगे, तो ये कॉलम वाइज सेटिंग नहीं होगा, कॉलम वाइज ग्रे वाइज भी करेंगे, ठीक है। पांच की क्लास में स्टूडेंट समाप्त करते हैं, कल मैं आपको कस्टम फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा, जो आपका एडवांस एक्सेल में मतलब बहुत आपको हेल्प करेगा, इंडियन नंबर फॉर्मेट हो गया हमारा, रुपीज लगाना है किसी के आगे या कस्टमर कंपनी के आगे मैसा बार बार हमें लिखना पड़ता है, तो इस तरह के कुछ ट्रिक्स आपको कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है सर। तो आज का क्वेश्चन किया था जिसमें आपने डिफरेंट सेल कर दिए थे, ये देखिए एक सिंपल मार्जिन होता है हमारा मार्जिन सेंटर, अगर हमें दो तीन जैसे एडिंग इसमें करनी है एक साथ मर्ज क्रॉस होता है, मर्ज क्रॉस ओके, ये कॉलम कॉलम मर्ज करता है रो के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है जी।